एक बार एक हिंदू कन्वर्टेड क्रिश्चियन महिला ने मुझे ईसाई रिलीजन में उसे कितना सुख है ये बताने की कोशिश करी। उसने मुझे ईसाई रिलीजन और जीसस क्राइस्ट के खूब खूबियाँ बताई। हिंदू धर्म से उसने क्रिश्चियन को क्यों चूज करा ये भी बताया। उसका कहना था, हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, ठगी है, चालाकी है और भगवान कौन है उसे यह समझ नहीं आया। थोड़ी देर में एक और हिंदू से क्रिश्चियन बनी महिला मेरे पास आई और दोनों ईसाई रिलीजन में मानो सुखों का भंडार है ये बताने लगे। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वो मुझे अपने निजी जीवन में कितने दुख हैं ये भी बता रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में ये कलावा देखा, उनका ईसाई प्रेम जाग गया। कैसे उनकी कमजोरी को क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपनी ताकत बनाया ये देखकर बहुत दुख हुआ, आश्चर्य हुआ और सनातनी होने पर अत्यंत खुशी। आबादी के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा ईसाई, दूसरे नंबर पर मुस्लिम रिलीजन है, लेकिन प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। प्राचीन शब्द से यहाँ मेरा मतलब पुराना और कई धर्मों की उत्पत्ति करने वाला धर्म से है। मुगल, इस्लामिक इन्वेडर्स, अंग्रेज, क्रिश्चियन मिशनरीज, हर किसी ने सनातन पद्धति को तोड़ना मरोड़ना चाहा। बाकी धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म की जनसंख्या विश्व में कम है, फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और आज भी हो रहा है। हिंदू ही टारगेट क्यों? पता था हिला नहीं सकते, मिटा नहीं पाए, इसलिए हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर अशिक्षा, अंधविश्वास और लालच का हवाला देकर हमें लालच देना शुरू किया। विश्व में, खासकर कि भारत में, हिंदुओं का धर्मांतरण कर अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने की साजिश छोटे गांव, कस्बों तक नहीं अब शहरों तक पहुंच गई है। ये घोरक धंधा हम सभी की खुली आंखों के बीच इतनी आसानी से हो रहा होता है कि हम इसे जब तक समझ पाते हैं तब तक त्रिशूल छोड़ हिंदू क्रॉस पकड़ चुका होता है। आमतौर पर आर्थिक पिछड़े या सामाजिक तौर पर परेशान लोगों को टारगेट किया जाता है। बीमारी, भूत प्रेत का प्रकोप बताकर कर्मों की सजा से मुक्ति, परमेश्वर की शरण में आने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है ऐसा लालच दिया जाता है। धर्मांतरण का मतलब ही है अपने धर्म को मजबूत करना और दूसरे धर्म को कमजोर करना, अपने वर्चस्व को कायम कर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाना। क्रिश्चियन मिशनरीज के मुताबिक हिंदू भगवान अपने भक्तों को कर्म से बचाने में असफल रहे, इसलिए सनातन धर्म में इस कर्म सिद्धांत को खड़ा किया। उनके मुताबिक जीसस एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो इंसान को बुरे कर्मों से बचाता है। अब समझते हैं कर्म क्या है। एक बार धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने जीवन में ऐसा कोई भयंकर पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरे 100 पुत्र एक साथ मार दिए गए। श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब उन्होंने देखा कि 50 जन्म पहले वे एक बहेलिया थे और उन्होंने पेड़ पर बैठे पक्षियों को पकड़ने के लिए जलता हुआ जाल फेंका था, जिसे 100 पक्षी अंधे होकर जाल में गिरे और मर गए। 50 जन्मों तक संचित पुण्य कर्मों के कारण उन्हें इस कर्म का फल नहीं मिला, पर जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हुआ तो उन्हें ये फल भोगना पड़ा। कर्म अकाट्य है, कर्म फल अचूक है, उसे भोगना ही पड़ता है। यदि ये क्रिश्चियन मिशनरीज आपको कर्मों की गुह गति से निकाल सकते तो इस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, रशिया में तो एक भी हॉस्पिटल दुख या पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस यहीं रहते हैं। भारत में आपको ईसाई धर्म के बारे में वो नहीं बताया जाएगा जो आमतौर पर अमेरिका या बाकी अन्य देशों में बताया पढ़ाया जाता है। अमेरिका के ईसाई आपको पूरी बात बताएंगे, आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अपने काले सच से इनकार नहीं करेंगे। और दूसरी ओर भारत के ईसाई को ये सब नहीं पता, ना ही वह इस बात की गहराई तक जाते हैं। उनके लिए तो क्रिश्चियन रिलीजन एक शांति और सुखों का स्रोत है और ये शांति और सुख आपको लालच देकर मिलती है। किसी पर विश्वास करने से पहले हमें उसके दोनों पक्ष, सत्य असत्य दोनों की गहराई तक जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इन कन्वर्टेड ईसाई को सिर्फ और सिर्फ लालच दिखाया जाता है। हमारे भारत में एक ऐसा समय था जब सनातनियों ने अपनी पहचान बनाए रखने के लिए खुद का बलिदान कर दिया, लेकिन सनातन धर्म में इतनी अडिगता थी कि आज भी सनातन धर्म का परिचम सीना चौड़ा करके हर सनातनी के सीने में लहरा रहा है। चार्ल्स टेम्पल्टन, ये वो नाम है जिसने भारत समेत पूरे विश्व में बड़ी आबादी में धर्म परिवर्तन कराया, यानी क्रिश्चियंस बनाए। लेकिन जब उसने अपने साथी बिली ग्रहम से ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ असलियत पूछी तो उन्हें चुप करा दिया और चार्ल्स टेम्पल्टन ने उसी वक्त ईसाई धर्म को छोड़ दिया। और ऐसा हजारों लाखों ईसाई हैं, जब उन्हें सत्य और फैक्ट्स पता चले तो वह भूतपूर्व ईसाई बन गए। और इनमें कई हिंदू ही हैं जिन्होंने पहले हिंदू से क्रिश्चियन, फिर क्रिश्चियन से वापस हिंदू बनने का फैसला किया। जब तक हम किसी का पूर्ण सत्य नहीं जान लेते तब तक वह हमारा अंधविश्वास होता है, और जिस दिन हम पूर्ण सत्य से अवगत हो जाते हैं फिर वह हमारी कमजोरी नहीं रहती।
भारत में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के लिए हमने खूब सहा है, खूब लड़ा है और अपने अस्तित्व पर आंच नहीं आने दी। धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसों का इस्तेमाल तो आज़ादी से पहले भी होता था, परंतु आज़ादी के बाद और भी बहुत तरीके प्रयोग किए जाने लगे। मिशनरीज ने अपने अनुभव से पाया कि भारतीय धर्मों के लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं से भावनात्मक तौर पर इतने गहरे जुड़े हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में करोड़ों की संख्या में धर्म परिवर्तन संभव नहीं हो पा रहा है। इस कठिनाइयों से पार पाने के लिए नए हथकंडों का प्रयोग शुरू किया गया। कहते हैं, बीज जो बोओगे पौधा भी वही निकलेगा, ये बात इन क्रिश्चियन मिशनरीज को अच्छे से पता है। इसीलिए भारत में अलग अलग राज्यों के हिसाब से हिंदुओं की आस्था और मान्यता अनुसार उन्होंने अपने जीसस को प्रस्तुत किया। कहीं संत रविदास जी, कहीं भगवादारी, तो कहीं श्री कृष्ण की तरह, तो कहीं गणेश जी बगल में बैठा कर, तो कहीं योग साधना करते हुए क्राइस्ट को हिंदुओं के सामने ऐसे दिखाया मानो हिंदुओं को यह यकीन हो जाए कि जीसस और हिंदू देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं। वो तो बस अब तक उन्हें सत्य का पता नहीं था। आपकी आस्था आपकी पहचान पर इतना गहरा असर डालने की कोशिश की जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता और हिंदू यहाँ क्रिश्चियन बन जाता है। विदेशी पैसों और संगठन का इस्तेमाल कर धीरे धीरे धर्मांतरण के इस जाल को फैलाकर अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते इन क्रिश्चियन मिशनरीज का प्लान आपके धर्म को खोखला करना है। इसलिए तो भारत में भूत भगाओ बीमारी भगाओ अभियान सा चालू कर रखा है। इसे ये मिशनरीज चंघाई सभा बोलते हैं, जिसमें फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टेज पर आते हैं और पास्टर उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी डिंग डिंग करके दूर कर देते हैं। डिंग 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 बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज इन पास्टर के पास है, ऐसा इनका दावा है। जीसस को याद करो, पास्टर का दिया तेल लगाओ और बीमारी गायब करो। हालांकि जो हजारों की संख्या में वहां अपनी बीमारी दूर करने आते हैं उनसे हजारों लाखों रुपए लिए जाते हैं और बीमारी तो ठीक नहीं होती लेकिन धंधा बढ़िया चल रहा होता है। और जो मजबूर और दुखी व्यक्ति वहाँ केवल अपने इलाज की आस से आते हैं वही इनके मेन टारगेट हैं, क्योंकि मन परिवर्तन यानी धर्म परिवर्तन और बाकी बची पूरी कसर ये लोग लालच देकर पूरी कर लेते हैं। इसके लिए बकायदा महिलाओं को गैस चूल्हा, सिलाई मशीन और अपने मिशन में नौकरी और गाय भैंस भी दी जाती है। पूरा जोर लगाया जाता है कि सभा में आने वाले हर एक शख्स का ईसाईकरण हो जाए। इन सब में सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इनमें जो पास्टर होते हैं, जो खुद को जीसस का दूध बताते हैं, वो खुद हिंदू से क्रिश्चियन बने लोग होते हैं। भारत की एकता अखंडता पर आँच ना आने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा ये कर्तव्य है, ये धर्म है। हम जिए तो हिंदू नाम से, मरे तो हिंदू नाम से। मैं ज्ञान में ब्राह्मण हूँ, व्यवस्था में वैश्य हूँ, रणभूमि में क्षत्रिय हूँ और सेवा में शूद्र हूँ, अंत में मैं सिर्फ हिंदू हूँ। हम उम्मीद करते हैं आप तक ये पहुंचाई बात आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करी है कैमरा पर्सन सिद्धार्थ राजपूत ने। मेरा नाम हिमानी भट्ट है, आप देख रहे थे TNN World। धन्यवाद।